तो चलिए इस इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं तो चलिए इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स तो ये है वन माइनस देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स है उन दोनों टर्म्स से माइनस मल्टीप्लाई होगा जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये होगा माइनस मल्टीप्लाई बाय एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स और फिर माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस टू कि माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा प्लस टू ठीक है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस दैट इज टू प्लस सिमिलरली उसके आगे ही ब्रैकेट है वहां पे दो दो बड़े ब्रैकेट हैं तो यहां पे देखिए तो माइनस यहां पे भी ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस थ्री और फिर माइनस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे ब्रैकेट के पीछे ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई है माइनस प्लस देगा प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो अब चलिए नेक्स्ट स्टेप वन माइनस एक्स प्लस टू इसको एजिटिज लिख दीजिए

अब यहां पे ब्रैकेट भी आप हटा सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व करेंगे तो यहां पे देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट ठीक है प्लस एक्स और माइनस एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे उसके बाद क्या बचता है हमारे पास उसके बाद बचता है हमारे पास ओनली वन माइनस एक्स पीछे लिख दीजिए अब नंबर्स में क्या क्या बच रहा है नंबर्स में वन प्लस टू वन प्लस टू दैट इज इक्वस टू थ्री एंड थ्री प्लस थ्री दैट इज इक्व टू सिक्स एंड फिर क्या है माइनस वन सिक्स माइनस वन दैट इज टू तो इक्वेगा माइनस एक्स प्लस हमने यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उसको उसके साइन के साथ ऐड कर दिया तो तो हो गया 5. तो -x 5 और राइट हैंड साइड में अगेन दैट इज इक्वस टू जीरो तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस फाइव की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास जीरो तो हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा जिससे उसका साइन चेंज हो जाएगा तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज फाइव ठीक है, लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर